We talk about the success of our community here. Today is the day of success. हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज आपने आप लोगों की कामयाबी है, आप लोगों की खुशखबरी है और इसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं. I learned a lot from everyone who spoke before me. All of you have the knowledge, have the power, have the vision, have the dedication, have the will, and have the ability to change the society. I came here to learn from you. ये कह रहे हैं कि मैं जो जिन लोगों ने भी बात की थी मैं उनसे सीखने आया हूँ. इन सब के पास ज्यादा इल्म है, ज्यादा इन्होंने बात की है, इनकी कमिटमेंट है लोगों के साथ काम करने के लिए, तो उन्होंने जितनी भी बात की है उससे सीखा है आज. That's why I'm going to use this presentation with your permission. Oh. I'm going to use your knowledge in my speech. Thank you. ये जो वो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी, जो ये कागज पे लिखा हुआ था, ये लेकर जाएंगे बाहर और जो आइंदा पूरी दुनिया में जहां जहां भी ये तकरीर करेंगे इसको ये यूज करेंगे. And all the things which mentioned by every one of you, nobody has the knowledge or the absolute knowledge, is only Allah subhanahu wa ta'ala. And each one of us should be learning from one another. And we came here to learn from you. हम यहाँ आए हैं तो हम आपसे सीखने के लिए आए हैं, सबसे सीखने के लिए. तो जिसने भी यहाँ पर बात की है उससे सीखा है और ये सारी चीज जाके हम दूसरों को बताएंगे. तो जरूरी ये है कि हम एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे से सीखें. I was talking about partnership. मैं इश्तराकी आपस में काम करने का की बात कर रहा था. I love the buffalo. मुझे भैंस पसंद है. Cows. गाय. Cow. Go. Go. Guy. Dogs. Goats. And all the creation of Allah that He created for us to be our partner. He mentioned the cow in Quran. He mentioned the spider. He mentioned the scorpion. He mentioned the snake. He mentioned the olive tree. He mentioned date tree, nakhl. He mentioned all those creation which are our partners. Trees, mountains, weather, every creation of God is our partner. Allah ki jitni bhi takhleeq hai wo sab hamare partner hai. Hum sab hame unka khayal rakhna, unke sath chalna, unke sath kaam karna, ye sab ke liye hai. Wo chirind ho, wo parind ho, wo darakht ho, ye sab kuch Quran mein inka zikr hua hai. और एक एक चीज का, जैसे गाय का जिक्र है सूरह बकरा में है, इस तरीके से और चीजों का जिक्र है, ओलिव का जिक्र है, जैतून का. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्यों जिक्र आया है, वो इसलिए कि वो इंसान के लिए बहुत अहम है और उनके साथ उनसे ताल्लुक रखना और पार्टनरशिप करना हमारे लिए जरूरी है. We should be the best people who can maintain, protect the climate. हम वो लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं हमें से जो जो यहाँ पे मौसम को और यहाँ की जो माहौल है उसकी हिफाजत करते हैं. नॉट टू डिस्ट्रॉय द क्लाइमेट. और ना करें कि वो उसको खराब करने वाले हों. पार्टनरशिप इज नॉट ओनली विद मैन एंड वुमन बट विद एवरीवन, एवरी क्रिएशन ऑफ गॉड, बिकॉज ही क्रिएटेड एवरीथिंग मिलियंस ऑफ इयर्स बिफोर ही लेट मैनकाइंड टू कम ऑन अर्थ टू सर्व अस. ऑल दिस क्रिएशन ऑफ अस are serving us, we should not become their servant. हम ये जो चीजें हैं या चरिंद परिंद है सब कुछ है, ये हमसे पहले किए हैं, ये लाखों साल पहले हमसे, हमें बाद में पैदा किया गया, ये लोग इनकी तखलीक पहले हुई और इसलिए ये है कि ये हमारी खिदमत कर रहे हैं तो हमें इसका एहसास करने की जरूरत है और इनका हक अदा करने की भी जरूरत है. सो द उम्मा which should be able to produce its food, make its clothes, its furniture, industry, is the ummah that Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet love it.
तो ये मुस्लिम उम्मत पे और सारे इंसानों के लिए जरूरी है कि वो जैसे जानवर है, जो कुछ भी वो उससे निकल रहा है, गोश्त है, उसको खाने से, बाकी चीजें करने से, अपने कपड़े तन पे लिबास के लिए, ये सब कुछ उसका इस्तेमाल करें और उसका हक अदा करें। द बेस्ट फूड इज द फूड दैट आई प्रोड्यूस विद माई हैंड, द बेस्ट क्लोथ इज द क्लोथ दैट इज नेटेड बाई माई वाइफ और माई डॉटर और माई ब्रदर, द बेस्ट हाउस इज द हाउस दैट आई बिल्ड, द चीपेस्ट प्रोडक्ट इज आवर प्रोडक्ट, नॉट नेस्ले, not what else about Nestle, Walmart, okay, Walmart is not here, not here. What else is here, Adidas, Nike, all this, we have to make them in Kashmir, in Pakistan, and sell them to the other side of the world. कह रहे हैं कि जो सबसे बेहतरीन खाना है वो अपने हाथ का बना हुआ खाना है, सबसे बेहतरीन लिबास है वो अपने हाथ से बना हुआ या अपने घर के ख्वातीन के हाथ का बना हुआ लिबास है, जो अपने अपना मकान है, जो बेहतरीन मकान वो है जो अपने हाथ से बनाया जाता है। हमें बाहर की चीजें नहीं चाहिए या हमें बाहर के मामलात के ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, अपनी चीजें करनी चीजें चाहिए, और वो जो चीज कश्मीर के अंदर से बनकर आएगी और यहाँ हमारे गांव से बन रही है वो जानी चाहिए, कश्मीर में बाहर और लोगों तक पहुंचनी चाहिए और हमें अपनी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट द गवर्नमेंट इज हियर, द डिग्निटरी आर हियर, द लोकल ऑर्गेनाइजेशन आर हियर, द वुमेन आर हियर, द चिल्ड्रन आर हियर, नारा कश्मीर, नारा कश्मीर, एंड एवरीबॉडी हियर, फ्रॉम द इंडिविजुअल, द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन to the future generation. तो ये कह रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट भी बैठी है, मौजूद हजरात भी बैठे हैं, हमारी खवातीन माए बहने बैठी हैं, कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हैं, सब जो है वो आपस का उनका ताल्लुक है जिसकी वजह से ये सारा है। और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये जो मुस्तकबिल हमारा मुस्तकबिल है ये हम उनके लिए काम कर रहे हैं। We are working to build their generation, to make their generation better than our generation, to give them the best education, the best way of life, the best of knowledge, and the best of teaching, and to make them not only Kashmiri leaders, not only Pakistani leaders, but global leaders. ये हमारे हम इसलिए काम कर रहे हैं सब मिलकर कि हम इन बच्चों को कल का लीडर बना सकें, इनकी जिंदगी बेहतर हो सके, इनकी तालीम हो सके, ना सिर्फ ये कश्मीर के लीडर बने, ये पाकिस्तान के लीडर बने, बल्कि ये आलमी लीडर बन सके यहाँ। सो इट इज अबाउट द जनरेशंस टू कम। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिज उम्मा थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू कम। हमें ये सोचना चाहिए लंबे अरसे के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो आइंदा के लिए सोचती थी, अपनी उम्मत के लिए हमेशा के लिए सोच उनके ज़हन में रही। सो वी शुड नॉट लीव दिस वर्ल्ड बिफोर वी बिल्ड देयर फ्यूचर। और हम हमारे जाने से पहले पहले हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हम इन बच्चों के का मुस्तकबिल बेहतरीन बना सके। वी शुड फॉरगेट आवर डिफरेंसेस, वी शुड बिल्ड पार्टनरशिप, वी शुड इग्नोर एवरीथिंग that actually make us to disagree with one another, and you look at the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who brought the ummah together, who led his enemy to love him and respect him and put him in a high status. हमें इसलिए अपने आपस के इख्तलाफात को खत्म करना चाहिए, तफरीक को खत्म करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, ताकि मकसद जो है वो इन बच्चों की अगली नस्ल की तैयारी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से सबक लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ को खत्म किया था, हर तफरीक को मिटाया था, और इसीलिए कि वो आइंदा उम्मत के लिए सोचते थे। और दूसरी चीज ये है कि हमें उन्होंने ये दर्स दिया कि जो हमारा दुश्मन है वो भी हमें इज्जत से देखे, हमारे साथ ताल्लुक रखे अगर दुश्मन है भी, और वो हमें एक बुलंद मुकाम पर रखे। सो आई केम हियर बिकॉज आई लव यू। मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। लव इज बिलीव, मोहब्बत एक यकीन है।
If you love someone, you make yourself servant to his or her cause. अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उस मकसद के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं. If you love someone, you make yourself care about them. अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसका ख्याल रखते हैं. More merciful towards them. उनकी तरफ रहम का मामला करते हैं. Forgive and forgive them for their mistakes. और उनकी अगर गलतियां होती हैं उनको माफ करते हैं. Always think about their well-being. और हमेशा उनकी खुशहाली का ख्याल करना है. Always welcome them with a smile, and this is the least. और उनका हमेशा उनका इस्तकबाल हंस के और मुस्कुरा कर करना. Always feel them, let them feel that they are respected, honored, and have value in your life. और उनको ये पता लगना चाहिए आपके ताल्लुक की वजह से कि वो उनका ख्याल करते हैं, उनको अंदाजा हो कि उनके क्या इज्जत देते हैं और क्या मकाम देते हैं अपने दिल के अंदर. And this is the love that the Prophet صلى الله عليه وسلم taught his companions, Sahaba Kiram, his Ansar and Muhajirin to have for humanity, whether they are Muslims or non-Muslims. और ये चीज थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई, अंसार मुहाजरीन को बताई, और वो यही था कि मोहब्बत है और वो न सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी. द लव फॉर अल्लाह एंड टू अल्लाह इज द लव फॉर एवर फॉर यू टू कम्युनिटी. जो अल्लाह के लिए मोहब्बत है और अल्लाह से मोहब्बत है वो हमेशा के लिए है और वो सबके लिए. इफ अल्लाह When Allah loves us most, He will let humanity to love us, and He will let all the treasure of earth to come to serve us. अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह ऐसा मामला बना देगा कि पूरी इंसानियत हमसे मोहब्बत करेगी. It is the absolute relationship between the individual and Allah. और ये ऐसा जबरदस्त ताल्लुक है इंसान का अपने खालिक से. And our love to our Prophet sallallahu alaihi wasallam. और हमारी मोहब्बत हमारा इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से. So when I said I love Kashmir or I love Pakistan, because I have debts on my neck for Pakistan and Pakistani community in Europe, in America and everywhere. जब मैं पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत की बात करता हूँ इसलिए कि मेरे कंधे पे कर्ज है कश्मीर का और पाकिस्तान का, जो लोग यूरोप में, यूके में रहते हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, और उसकी तफसीलें बताएंगे थोड़ी. They were the people who made Islamic Relief to come here and create the Islamic Relief. वो लोग थे जो पहले इब्तदाई वक्तों में 1984 में डॉक्टर हानी के साथ खड़े हुए इंग्लैंड के अंदर. वो कश्मीर के नौजवान थे और पाकिस्तान के नौजवान थे जिन्होंने इस्लामिक लीग को बनाया. इट्स बिकॉज ऑफ योर ब्रदर्स सिस्टर्स फादर्स मदर्स इन यूके वी स्टार्टेड इस्लामिक लीग. दे हेल्प्ड अस विद द पेनी विद द फाइव पेनी विद द पाउंड एंड विद द लव एंड विद द केयर एंड विद द रिस्पेक्ट टू लेट इस्लामिक लीग टू ग्रो Over the last 35 years to be what it is now. एक जो यही कम्युनिटी थी वही लोग थे, आपके भाई थे, वालिद थे, बुजुर्ग थे, बहने थी, उन्हीं ने इस्लामिक लीग के लिए वहाँ पर खून पसीना की कमाई से निकले हुए पैसे दिए, खिदमत की, बहुत सारा वॉलंटियर्स थे जो सारे के सारे इंग्लैंड में जाते थे और वहाँ पर काम करते थे, और ये चीज पाकिस्तान, पाकिस्तानी, कश्मीरी, इन लोगों की मदद वजह से हुई. सो इस्लामिक लीग इज पेइंग बैक द डेट्स टू यू पीपल, द इन्वेस्टमेंट दैट योर फादर्स एंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंग्लैंड हैज इन्वेस्टेड इन अस 34 इयर्स अगो. वी आर नॉट डूइंग एनी फेवर टू यू, वी आर एक्चुअली पेइंग बैक द डेट्स. हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई चीज नहीं कर रहे. हम जो 34-35 साल पहले पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी ने इंग्लैंड में इस्लामिक लीग बनाने में जो अमल किया था, हम सिर्फ वो जो कर्जा है उसको चुकाने का काम कर रहे हैं.
So may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. May Allah subhanahu wa ta'ala make you the best, because you are the best. But you need to believe that you are the best. Allah ta'ala aapka khayal rakhe, Allah ta'ala aapko behtareen banaye. Aapko sirf ye koshish ye karna hai, yaqeen karna hai ki aap sabse behtareen hain. We need to invest in children because they are the future. Hamein in bachchon ka khayal karna hai, inke andar invest karna hai, kyunki yahi mustaqbil hai. We need to invest in education because this is the way for building civilization. Hame taleem ke upar sabse zyada tawajjuh deni hai. We need to invest in youth, young men and young women, because they are the power of our society. Hame apne jo naujawan hain, ladke aur ladkiyan, unke andar unka khayal karna hai, unko aage badhana hai, kyunki wo taqat hain hamare muashre ki. We need to invest in women because they are my mother, my sister, my wife, my daughter, my auntie, my grandma, and she is the care and love for the family and the community. Aur hame apni khawateen ko maqam aur rutba aur khayal karna hai ki wo hamari maaye hain, wo hamari behne hain, wo hamari dadi nani sab kuch wo hain, taluq hai aur wo khandan ke liye mohabbat ka sab chashma hai. And the best of investment is in human resources. Aur jo sabse behtareen sarmayakari hai wo insaan ke andar hai, insano ke andar. The heavy investment, the long term investment, is not oil, it's not gas, it is people. Jo hamesha reh jane wali investment sarmayakari hai wo insano ke andar hai, wo gas mein nahi hai, wo oil mein nahi hai, wo kisi aur cheez mein nahi hai. So spend the money on them, on their brain, on their hearts, to clean their hearts through the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to increase the capacity of brain through the ilm. They can take it, the ilm of dunya and the ilm of akhirah. So isliye jo aapka paisa hai, jo aapke zaraye hain, wo inke upar kharch kijiye, inki taleem ke upar kharch kijiye, inke dilon ki paaki ke liye kharch kijiye, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सके और मुस्तकबिल बना सके. द फर्स्ट वर्ड इन कुरान इज इकरा. और कुरान में सबसे पहला लफ्ज जो है वो पढ़ना है, इल्म हासिल करना. इकरा मींस रीड, राइट, लर्न, सीक द नॉलेज, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, बीइंग एबल टू कॉम्प्रिहेंड, बीइंग एबल टू डाइजेस्ट, being able to produce the product, being able to change the community, being able to protect your community. Iqra is not just read. Iqra is a process of gaining knowledge to change the community and make the community to be the best of community on earth. So Iqra jo hai wo sirf ye hum keh dete hain ki wo padhna hai. ये पढ़ना नहीं है, पढ़ने से शुरू होता है, उसके बाद इल्म हासिल करना है, उसके बाद उसको जिंदगी में लेके आना है, उसके बाद अपने माशरे में लेके आना है, माशरे को बनाना है. ये सब इकरा की पूरी तशरीह है और उसके जरिए से अपने माशरे को बेहतरीन माशरा बनाना है. तो एक पढ़ाई, एक पढ़ के लफ्ज जो है वो पूरी चीज को अहाता करता है हमारी पूरी जिंदगी को. इन स्पाइट द फैक्ट दैट द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट रीड एंड राइट, बट ही हैज द इल्म, द नॉलेज ऑफ लाइफ. And he understood the way that people should live, and being able to live together and to respect one another. और हमें ये पता है कि नबी सल्लम जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इकरार से उनसे क्या मुराद थी, उनसे जिंदगियां बदल देने वाली बात थी और वो उन्होंने जिंदगियां हर तरफ से बदल दी और वो हमारे सामने और हम भी उसी का आशा फरमा. He was a prophet sallallahu alaihi wasallam. He was a social worker sallallahu alaihi wasallam. He was a community worker sallallahu alaihi wasallam. He was a fighter and the army chief sallallahu alaihi wasallam. He was a teacher sallallahu alaihi wasallam. He was a politician sallallahu alaihi wasallam. But all for the cause of Allah. और वो सब कुछ थे, वो उस्ताद भी थे, वो जनरल भी थे, वो आर्मी के लीडर भी थे, वो घर वाले भी थे, और ये सब कुछ जो था वो किसके लिए था, वो अल्लाह ताला की राह के लिए. There's a difference from the literal meaning of Iqra and the proper meaning of seek knowledge. और ये वही बात है कि जो लफ्जी मतलब है इकरा का, के पढ़ लेना और पूरा इल्म को हासिल करना और को फैला देना, उन दोनों में फर्क है. I learn from her, I learn from him, I learn from you, I learn from you,
I learned from the climate change. I learned from the cycle of the moon and the moon and the star and the sun. We learn from everything surrounding us. This is beyond reading and writing. मैं हर एक चीज से और हम हर एक चीज से सीखते हैं इन बच्चों के साथ जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर इनके साथ जो चरण परिंद हैं जो चीजें मौसम की तब्दीली है जो चांद का आना और सूरज का निकलना ये सारी चीजें हम हर एक चीज से सीखते हैं. You know, brothers here on the high seat and sisters on the higher seat and brothers and elderly on far higher seat. Okay. That you are extremely rich country. ये इन्होंने कहा कि जो स्टेज पे लोग बैठे हैं कुछ लोग उठ के भी चले गए स्टेज के ऊपर बैठे हैं उससे बड़े स्टेज के ऊपर आप बैठी हैं और उससे बड़े स्टेज के ऊपर आप बैठे हैं हमें मिलकर ये करना है कि हमें इसको मजबूत बनाना है इस मुल्क. That Allah has created you to be the best of His creation and put a lot of resources inside you that you yourself need to discover it first. और ये कि जो जो चीज है हमारे जो अंदर मौजूद है और हमें पता नहीं है और हमें अल्लाह की बेहतरीन मखलूक है और हमें उसको निकालना है कि हमें क्या क्या टैलेंट क्या क्या चीजें हैं क्या क्या महारत मौजूद है और उसके जरिए से फिर सारी चीज को मजबूत करना और बेहतरीन करना. إني جاعل في الأرض خليفة. और हमें खलीफा बना के भेजा गया कुरान की आयत. Do you think that Allah will send the Khalifa that he is ignorant or she is ignorant? Among these Khalifa were the messengers of Allah and the prophets of Allah سبحانه وتعالى, which was far more better than the angels of Allah who does not do any mistake. So खलीफा जिनको बनाएंगे कोई किसी जाहिल को बनाएंगे खलीफा कोई ऐसे को जिसके पास कोई इल्म कोई चीज ना हो या कोई उसके अंदर खास टैलेंट ना हो खलीफा तो बनाया ही उसको जाएगा जो ये सारी चीजों के साथ उसके अंदर मौजूद होंगे. इसीलिए हम लोग जो हैं हमारे अंदर अंबिया आए सहाबा आए खलीफा हैं सब कुछ है ये सारे वो लोग थे जिनके अंदर सब कुछ मौजूद था सिर्फ अपने अंदर उसको महसूस करने की और उसको निकाल के उसकी कदर करने की जरूरत है और वो हम सबके अंदर एक एक के अंदर मौजूद है. वंस यू डिस्कवर हाउ रिच यू आर how rich you are and thank Allah for that, Allah will let you discover how rich your country is. अगर जब आपको पता लग जाएगा कि आप कितने अमीर हैं अपने अंदर से और आप उसके जरिए से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उसकी नेमतों का जो आपके अंदर हैं अल्लाह ताला उसका सबब बनाएगा कि आपको पता लगेगा कि आपकी जमीन कितनी खजाने वाली है और अमीर है. Do you want to say something? نارائے تکبیر اللہ اکبر بول اللہ اکبر بول. اوکے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.